नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं फिर से आपके साथ एक नया गार्डन वर्क शेयर करने वाली हूं और विंटर की तैयारी में करती ही जा रही हूं आपके साथ साथ। अगर आपने नहीं की है तो मेरे साथ करते रहिए। और इसके साथ साथ मैं एक DIY गार्डन डेकोर बनाने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने एक DIY वीडियो बनाया था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो बहुत महंगी महंगी चीज़ें हमें अपने गार्डन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ना आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो पहले मैं आपको गार्डन वर्क दिखाने वाली थी लेकिन बारिश की वजह से मैं अभी वो नहीं दिखा सकती हूँ। तो सबसे पहले DIY वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे घर में ये बेकार गत्ते पड़े रहते हैं और कई सारे ऐसे गत्ते के डब्बे पड़े रहते हैं, तो उन्हें फेंक देते हैं। तो इसका यूज हम गार्डन डेकोर में कर सकते हैं। तो ये दो पीस मैंने ले लिए हैं और मुझे इतनी ही जरूरत थी। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले करते हैं इसमें ड्रॉ। देखिए, तो जो भी आपको बनाना है, तो मैं जो बनाने वाली हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये कर रही हूँ मैं ड्रॉ। देखिए, और इस तरीके से जो भी आप फिगर बनाना चाहते हैं उसे ड्रॉ कर लें इस तरीके से। और इसको भी कर लेती हूं मैं। देखिए, तो छोटा बड़ा ना हो ये ध्यान रखें। और इसको अब कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये फटाफट से करती हूँ मैं इसको कट। तो ऐसे आपको कम से कम 5 से 6 पीस बनाने हैं। देखिए, हमारे गत्ते तो कट चुके हैं और इसको शेप दे दी है मैंने मछली की। और इसके बाद ये देखिए, ये लिया है फेविक्रिल मोल्डिट, बहुत आसानी से मिल जाता है ये। और ये नहीं है तो आप व्हाइट सीमेंट में थोड़ा सा ग्लू और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका आटे जैसा डो बना के इस पर लगा सकते हैं और सूखने के लिए रख दिए, तो काफ़ी मजबूत हो जाता है ये। अभी मैं यूज कर रही हूँ मोल्डिट का, तो इसको निकाल के मिला लेते हैं। ये दो रहते हैं, दोनों को अच्छी तरीके से मिलाना है। मिला लेते हैं, बिल्कुल परफेक्टली मिल जाना चाहिए ये। तो अच्छे से मिला लिया है और इसका एक तरीके से गोल कर लेते हैं इसको। और ये कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं। तो ये मेरे यहाँ बेकार पड़ा था और इसको ले लिया है मैंने। और इस पे रख के इसको बेलना है हमें पतला पतला, तो ये ब्रश की सहायता से ही बेल लेती हूँ मैं। तो देखिए, लगभग मैंने इसे इतना बेल लिया है और सिर्फ आपको ये ग्लू लेना है। देखिए, और इस पे लगाना है इसे अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने मोल्डिट को बेला है इसको अच्छे से फैला देंगे इसमें इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरीके से फिनिश कर दिया है। और इस अभी ये थोड़ा सा गीला है, इसी टाइम पे हमको एक काम करना है। इसमें करने हैं हमें 2 छेद, तो मैं कर लेती हूँ ये देखिए। और किसी भी नुकीली चीज़ से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी कील, तो इससे कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए, लगभग सूख चुका है ये। और आप चाहे तो काफ़ी देर भी सुखा सकते हैं, लेकिन पेंट करने लायक सूख गया है। इसके बाद मैं करने वाली हूँ इस पर अपना मनपसंद पेंट। आप चाहे कोई भी कलर कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इस पर ऑरेंज कर रही हूँ, मर्जी से कर सकते हैं। और कलर करने में काफ़ी मज़ा आता है। इसमें मिरर लगाने वाली हूँ, तो हल्का हल्का ये सूख गया है, तो मिरर आप अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बना तो लिए हैं, देखिए एक हमारा ये तैयार हो गया है और ये थोड़ा सा अभी सूख रहा है। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बनाए, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद जो आपको काम करना है वो है, तो
तो ये देखिए हमें चाहिए रस्सी, ये आप देख रहे हैं, मैक्रम का धागा हो वो भी चल सकता है, ऊन का धागा हो वो भी चल सकता है। तो रस्सी मैंने ली है और इसको इसमें डाल लेती हूँ मैं, देखिए इस तरीके से। और इसके बाद मैंने ये लिए हैं दो ये बीड, ये देखिए आप दो तीन कितने भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसको इसमें पिरो देती हूँ, देखिए ये हो गया। और इसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पर एक गांठ ताकि ये निकले ना। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैंने ये धागा लिया है तो इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए। और इसको कैसे पिरोना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए पहले फ्रंट से इसको डालना है अंदर, और किसी भी चीज़ की मदद से आप डाल सकते हैं, तो आपको जितना रखना है आप रख सकते हैं, तो मैं तो इतना रखने वाली हूँ। और इसके बाद इसमें पिरो देते हैं, ये देखिए ये मैंने लकड़ी ली है और बहुत ही सिंपल सी लकड़ी है, काफ़ी अच्छा लुक देती है बनने के बाद। तो इसको मैं इसमें टांग देती हूँ। जितनी लंबाई आपको रखनी है उस हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको गांठ मार देती हूँ। तो ये हमारा हो गया है। तो दोस्तों देखिए हमारा महंगा डेकोर आइटम सस्ते में बनकर तैयार हो गया, और ये भी काफी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, अरे सीधा हो जा भाई, ये देखिए। तो चलिए इसे लटका देते हैं फटाफट से। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है, काफी अच्छा लग रहा है। उस दिन मैंने वो DIY बनाया था मैक्रम वाला, तो उसके कॉम्बिनेशन में ही लगाया है। तो आजकल मुझे ना नेचुरल चीजों से बना हुआ काफी पसंद आने लगा है। ये देखिए काफी खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा देखिए मैंने एक और बनाया है सिंगल वाला, ये देखिए, और इसको मैंने इधर हैंग कर दिया है। और अभी शाम का समय है तो इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है, और मैं फिर से आपको एक बार इसका अपडेट दूंगी सुबह के टाइम। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सोचा था कि मैं आपको गार्डन वर्क करके दिखाऊंगी, और थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई भी थी, तब तक इतनी तेज बारिश हो गई, और आप मौसम देखिए हमारे यहाँ का भयंकर बारिश हो रही है, तो इसी वजह से मैंने सोचा आपके पास वीडियो पहुंचनी चाहिए। वैसे भी DIY वीडियो मुझे बनाना ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो पेंडिंग काम है ना तो वो मैं कल करूंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही जरूरी काम है।